एक्स्ट्रा टाइम। हेलो, मेरा नाम अनुरली है, मैं 20 साल का हूँ और मैं इंटरनेशनल टीम के लिए खेल चुका हूँ, जैसे कि अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर नेशनल कैंप में भी जा चुका हूँ और अंडर 17 वर्ल्ड कप भी खेला हूँ। मेरा एक ही एम है कि मैं अपने देश के लिए फुटबॉल खेलूँ, लेकिन पिछले साल ही मुझे खेलने से रोक दिया गया ये कहकर कि मेरे हाथ में, मेरे दिल में दिक्कत है। मैंने चेकअप करवाया था और डॉक्टर ने बोला लो रिस्क है, लेकिन मुझे अभी खेलने नहीं दिया जा रहा ये कहकर ही मेरी लाइफ को खतरा है। फुटबॉल मेरे लिए सब कुछ है, फुटबॉल के अलावा और कोई समझ नहीं आता मुझे। फुटबॉल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर कोई सोल्जर जंग में जाता है तो हमेशा उसकी लाइफ डेंजर खतरे में होती है, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि वह डर के मारे जंग में ना जाए। इसी तरह ये गेम भी मेरे लिए बैटलफील्ड है, इसमें भी खतरा होता है, लेकिन मैं ये सोच के कि मुझे कुछ हो जाए और मैं खेलना छोड़ दूँ मेरे लिए डेड सेंटेंस से कम नहीं, तो मैं FF से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे फुटबॉल खेलने दिया जाए। जो भी अंडरटेकिंग लिखने के लिए बोलेंगे मैं लिखूँगा, बस मुझे फुटबॉल खेलना है, मैं फुटबॉल से दूर नहीं रह सकता और ना ही रहना चाहता हूँ। तरुण डिफेंडर আনোয়ার আলীর কাতর আবেদন এই মুহূর্তে ভাইরাল। সবাই নিশ্চয়ই এই ভিডিওটি বারবার শুনেছেন, কিন্তু ফেডারেশন কর্তাদের কানে কি ওর বার্তা আদৌ পৌঁছেছে? ফুটবল হাউসের কর্তারা আনোয়ারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহল তো? ফুটবল জীবন অন্ধকারে নিমজ্জিত, মুষড়ে পড়েছেন পঞ্জাবি তরুণ, সেটাই এই ভিডিওর মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ফুটবল খেলার জন্য তিনি আদালতেও যাচ্ছেন। যদিও এদিকে আনোয়ার ইস্যুতে ফের একবার ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রঞ্জিত বাজাজ। এই ইস্যু নিয়ে এবার আদালতে যাচ্ছেন আনোয়ারের মেন্টর। পাশাপাশি তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি আনোয়ারকে বিদেশে খেলাতেও সাহায্য করবেন। ইনকো AIFF কো এক সাল পহলেই পতা থা কে ইয়ে বাত হুই হ্যায় অর উসকা হার্ট প্রবলেম হুই হ্যায় কোই জো উসকে মেডিকেল স্ক্যান মে নিকলি হ্যায় ফ্রম মুম্বাই সিটি। तो एक साल से उसको उन्होंने घर भेज दिया एंड दे डिडंट लेट हिम प्ले एनीवेयर, और एक साल से एक फोन तक नहीं गया बेचारे को कि तू कैसा है, तू ठीक है, तू क्या कर रहा है, तेरा फुटबॉल बंद हो गया। अब इसको दोबारा इसने ट्राई किया और इसको मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने इतना सपोर्ट किया है, कह रहे हैं कि वी आर ओके, वी आर विलिंग टू टेक द रिस्क क्योंकि तूने वेवर दिया। तो उसके बावजूद अब आके इस स्टेज पे उसको रोकना गलत है। अगर वो इतना ही कंसर्न थे तो उनको एक साल पहले जब उसको घर भेजा था उसके लिए कुछ करना चाहिए था। उसके बाद और दूसरी बात ये है कि जो बात इंटरेस्टिंग यहाँ पे आती है कि तीन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खेल सकता है और तीन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं खेल सकता। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि फीफा मेडिकल रिकमेंडेशंस और यूएस फेडरेशन, यूएस के जो रूल्स है, US Soccer Federation के रूल्स हैं, वो दोनों अलाउ करते हैं। सो इसके फेवर में भी बहुत बातें हैं और इसके अगेंस्ट भी हैं। सो द पॉइंट इज इट्स नॉट अ लॉस, इट्स नॉट लाइक हम बाकी किसी फुटबॉलर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, बिकॉज ये भी जो भी डिसीजन होएगा वो इंडिया के लिए भारी पड़ेगा। सिंपल बात है, अगर इसको नहीं खेलने देते फॉर व्हाटएवर रीजन, यस इंडिया विल लूज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 20 इयर्स बाय फार, गारंटीड। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? सी बाय नेक्स्ट स्टेप इज दैट इफ देयर आर कंट्रीज व्हिच अलाउ हिम टू प्ले, इफ AIFF डज नॉट अलाउ हिम टू प्ले हियर, ही इज ऑलरेडी गॉट इंटरेस्ट फ्रॉम ट्रायल ऑफर्स फ्रॉम MLS क्लब्स। तो वहां पे ऑलरेडी न्यूज पहुंच गई है कि इतना तकड़ा लड़का इंडिया छोड़ने वाली है और वहां पे दे आर ऑलरेडी लाइनिंग अप फॉर हिम। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग लॉस फॉर इंडिया एज अ होल, बिकॉज अनवर इज ऑलरेडी सेइंग कि मेरे से आप वेवर साइन करा लो आप, बिकॉज सी आप लोगों को, हम सबको बहुत अच्छा लगता है बोलना कि वी डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू हिम, दैट्स अ गुड थिंग टू थिंक अबाउट, बट थिंक अबाउट द फैक्ट कि अगर वो ना खेलेगा तो वो कहां जाएगा? तो वो या तो वो खेप फुटबॉल खेलेगा जहां पे उसको कुछ हुआ तो गारंटीड उसकी डेथ है, या ही विल गो एंड वर्क एज अ लेबरर ऑन द रोड जहां पे अगेन हिज डेथ इज देयर। बिकॉज सी AIFF इज वेरी इजी फॉर देम टू से कि इसको कोच बना देंगे, बट आई नो एंड एवरीबॉडी हु नोज हिम नोज दैट ही इज नॉट एजुकेटेड एंड ही कैन नॉट बी अ कोच।
सो इट्स अ वेरी ट्राई इसको या तो दे एएफएफ हैव टू से दैट वी विल टेक केयर ऑफ दिस बॉय फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो वो कहने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने एक साल तक उससे बात तक नहीं की है। तो दो दो इशू यहाँ पर सामने आती है, एक एक तो अनवर के पास ये ऑफर हो सकता है आपके द्वारा को एमएलएस में उसको चांस मिले, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा सुनाई दे रहा था जो इस केस को निपटाने के लिए आप कोर्ट तक जा सकते हैं, तो क्या आप इस विषय में कुछ कहेंगे? या बिल्कुल, हम ऑलरेडी कोर्ट पे जा रहे हैं, मंडे को वील बी अनवर इज गोइंग टू बी गोइंग एंड फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन कोर्ट सो दैट वी कैन फाइल एन इंजंक्शन एंड स्टे ऑन दिस डिसीजन, बिकॉज एएफसी ने भी इसको सिर्फ एडवाइज किया, इसको बैन नहीं किया, बिकॉज हमें पता लगा है कि फीफा रूल्स के अकॉर्डिंगली प्लेयर को बैन नहीं कर सकते हैं, दे कैन ओनली एडवाइज द प्लेयर। सो एडवाइज का मतलब है इट इज ऑन द चॉइस ऑफ द प्लेयर, एडवाइस का मतलब ये होता है, नहीं तो आप उसको बोलते हो कि यू कैनॉट प्ले। इफ यू एडवाइस समबडी दैट मींस इट इज हिज विल इफ ही वांट्स टू टेक दैट एडवाइस और नॉट। আমাদের তরফ থেকে ফেডারেশনের স্পোর্টস মেডিকেল কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর ভেস পেসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল, তবে উনি এই বিষয়ে প্রচার মাধ্যমের সামনে কোনো মন্তব্য করতে চাইছেন না। যদিও শোনা যাচ্ছে আগামী মাসের মধ্যে আনোয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে পাকাপাকিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ফেডারেশন, তবে সেই সিদ্ধান্ত এই ডিফেন্ডারের পক্ষে যায় কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না জানো।